कि अगर आप भी इस साल केदारनाथ आते हैं तो आपको क्या क्या सुरक्षाएं बरतनी है, नहीं तो इन बातों पर जरूर ध्यान दीजिए कि आपको क्या क्या अपने साथ कैरी करना है। 4 वाजेपर्यंत गाडी तर काढावी लागली, त्यानंतर आम्ही सकाळी त्याला बोललो की 4 वाजता गाडी काढणे आम्हाला झालेलं. तो उन लोगों का दुख दर्द आप देख सकते हैं कि मतलब हाँ, हॉटेल कोणाचं आहे, हे कोणाचं आहे, हे प्रॉपर आपल्याला गाइडन्स नाही करत. हम लोग अगर बहुत दूर के देश में जा रहे रहेंगे, अगर कौन से अलग, हम लोग को कुछ पता नहीं रहता. हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम इन खूबसूरत पहाड़ों से, केदारनाथ घाटी और तुंगनाथ घाटी के इन खूबसूरत वादियों से। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो बस एक आपके लिए एक अपडेट व्लॉग होने वाला है कि अगर आप भी इस साल केदारनाथ आते हैं तो आपको क्या क्या सुरक्षाएं बरतनी है, नहीं तो आपको भी ऐसी ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, ऐसी ही आपको भी मुसीबतें आएंगी। तो अगर आप भी केदारनाथ यात्रा का प्लान कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है। अगर आप भी इस साल केदारनाथ आने का प्लान कर रहे हैं तो क्या क्या आपको तैयारी करनी है, कैसे कैसे आपको मैनेजमेंट करना है, तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताएंगे कैसा वहाँ पे टेम्परेचर रहेगा, अभी क्या सिचुएशन है इसको बताते हैं आपको। और ये बताने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, वैसे मैंने काफ़ी व्लॉग में आपको जब केदारनाथ गए थे तो आपको टेम्परेचर के बारे में बताया था, स्टे के बारे में बताया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले हमारे पास एक फैमिली आई थी, मैं उसको आपसे मिलवाऊंगा कि कैसे वो फैमिली पैसे देने के बावजूद भी मतलब उन्होंने इतनी आप मुसीबतों का सामना करना पड़ा ना। अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आते हो तो आपको कैसे कैसे उनके साथ भी डील करनी है, ऐसे नहीं कि एकदम से उनको पैसे दे दिए और फिर आपको मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रभात मुंबई के लोगों, कैसे हो आप लोग, मस्त हैं? अभी यहाँ फ्रेशनेस लाए हैं हम लोगों को। फ्रेशनेस आ रही है? यस। कितना टाइम हुआ हमें मिलते हुए? एक ही घंटा हो रहा है? और कैसा लगा आपको यहाँ पे? जो हम लोग का 2 दिन का थकान था ना वो 1 घंटे में हम लोग भूल गए पूरा। आपसे मिलके थैंक यू। केदारनाथ की यात्रा को निकल रहे हैं हम लोग, तो 4 दिन का जो ये है ट्रेवल्स है उसमें में 3 दिन तो ऐसा थकान और क्या महसूस हो गया कि क्या अभी किधर कैसा, हम लोगों को पता नहीं रहता है। आम्हाला माहिती नसतं कि या उत्तराखंड यात्राच्या ठिकाणी काय काय असतं, बाहेरचं कसं असतं, काय असतं, ते आम्हाला काही माहिती नसताना आम्ही बहुतेक ठिकाणी विचारलं पण त्याने आम्हाला साथ दिले, कॉपरेट केलेलं नाहीये। आप लोग कल रात को कहां पे सोए थे? बस तर आम्हाला काल भरपूर केदारनाथ ट्रेकला गेलो होतो, तर आम्ही रात्री येताना आम्हाला उशीर झाला, उशीर आम्हाला येताना उशीर झाला, आमचं मॅनेजमेंट जे होतं ते बरोबर नव्हतं, त्यामुळे आम्हाला येताना उशीर रात्री 9 वाजलं आणि आम्हाला त्याला कोणी सांगितलं पण नव्हतं की तुम्ही रात्री 9 वाजता उतरल्यानंतर काय प्रॉब्लेम होणार आहे। त्यानंतर आम्ही त्याला कॉल केला की गाडीवाल्याला की आम्हाला हॉटेल आमच्या सारीला बुक केलेलं आहे, तू आम्हाला सारीला घेऊन चल, पण तो काही यायला तयार झाला नाही, त्याच्यामुळे आम्हाला रात्र 4 वाजेपर्यंत गाडीतच काढावी लागली। त्यानंतर आम्ही सकाळी त्याला बोललो की 4 वाजता गाडी काढ आणि आम्हाला सारीला घेऊन चल, मग त्यानंतर आम्ही आता सकाळी सारीला पोचलो बरोबर 9 वाजेपर्यंत। त्यानंतर आम्हाला इथे आल्यानंतर थोडं वाटलं की बाबा सर ठीक आहे, आम्हाला बरं आल्यावर थोडा आनंद झाला, कारण जसे आम्ही इथे आलो आणि आम्हाला हॉटेल मालकांनी, लक्ष्मी हॉटेल मालकांनी जसं आम्हाला त्यांच्या बोलायला चालू केलं, आम्हाला बरं वाटलं की बाबा काहीतरी इकडे आहे म्हणून थकानात आमची। त्यानंतर ते बोलत बोलत गेले आणि आता आम्हाला त्या लोकांनी नाश्ता वगैरे दिला, त्यानंतर आम्ही त्याच्याशी बोलत राहिलो, पण आम्हाला जरा बरं वाटलं जरा, आणि आम्हाला ते 2 दिवसाचं जे होतं जे थकान किंवा जे काय झालेलं होतं सगळं परिस म्हणजे सगळी जी काय आम्हाला अडचण झाली होती ते आम्ही ह्या 1 तासामध्ये विसरून गेलो। का? तर त्याने आम्हाला आल्यानंतर इकडे भरपूर मदत केली, भरपूर मदत केली, कशी बोलण्यावर, माणसाने नुसतं पैसाच कमवायचं नाही तर आलेल्या माणसांना नुसतं पैसाच कमवायचं नाही तर जे आपण यात्री ते बोलवतो टूरच्या माध्यमातून त्यांना गायडन्स करा। मी का बोल जेव्हा कोणी यात्री इकडे येतील त्यांनी जर ऑनलाईन बुकिंग केलेली असेल तर त्यांनी खरोखरच ऑनलाईन आणि चौकं जर विचारा की बाबा, कारण ह्यांचे ह्या लोकांचे 4-5 जण एजंट असतात तर आपल्याला समजत नाही की ही गाडी कोणाची आहे, हा हा हॉटेल कोणाचं आहे, हे कोणाचं आहे, हे प्रॉपर आपल्याला गायडन्स नाही करत त्याच्यामुळे। आणि केदारनाथ ट्रेक म्हणजे साधा ट्रेक नाही आहे, तो आपल्या इंडियातला सगळ्यात मोठा ट्रेक आहे, खूप मुश्किलनं तो सगळेजण पार करतात आणि त्याच्यामुळे आपण थुकलेलो असतो आणि आपल्याला समजत नाही काय करायचं काय नाही, तरी पण हरकत नाही आहे, त्यांनी पण कोऑपरेट थोडंसं केलं असेल आम्हाला, पण तुम्ही बुकिंग करताना प्रॉपर बुकिंग करा आणि बरोबर या की सांगा, विचारा की बाबा गाडी मालक कोण आहे, गाडी कोण आहे, कारण आपण
जातो विचारलं हॉटेल वाल्याकडे, हॉटेल वाला बोलतो गाडी नाही आहे, तो बोलतो गाडी वाला बोलतो मी नाही येणार आहे, मग नेमकी अरेंज कोण करतो, तो बोलतो की गाडी माझी नाही आहे। त्याच्यामुळे कोणी पण अरेंज करताना प्रॉपर अरेंज करा, सगळी व्यवस्थित माहिती घ्या आणि ट्रेकला या। तो अगर आप टूर ट्रैवल जैसे आपने बुक करवाया, आपको कौन कौन सी दिक्कत है, आप क्या बोलना चाहोगे अपने लोगों के लिए? पहली बात तो अगर आप बुक कर रहे लोगे ना, तो पूरी डिटेल्स देख लेना, क्योंकि हम लोग अगर बहुत दूर के देश में जा रहे रहेंगे, अगर कौन से अलग, हम लोग को कुछ पता नहीं रहता कि लाइक क्या करने का है, कौन सा किधर क्या है क्या नहीं। तो आप जिधर से बुक करें ट्रैवल से, ट्रैक वाले से, तो उससे पूरी डिटेल्स लेना, होटल्स की या कुछ भी, रेंट कार भी, किधर से भी, कि कैसा है, क्या है, कैसे जाने वाले हैं। क्योंकि हम तो ऑनलाइन बुक करते हैं, पर उधर जाके क्या होने वाला है क्या नहीं, हम लोग को कुछ नहीं पता, अगर हम लोगों ने कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाली तो पहले जाओ बुक करो और ठीक से देखो, सब इंफॉर्मेशन निकालो, क्योंकि अगर उधर जाके आपको पता चलेगा तो बहुत तकलीफ होगी। क्योंकि हम लोग के साथ हुआ है, हम लोग ने लिटरली कल रात को हम लोग बस में सोए थे, पूरा केदारनाथ से चल के आए थे, बहुत थके हुए थे और कुछ नहीं देखा था, तो पूरा बस में सोए थे और बहुत बहुत स्ट्रेस हुआ था, कुछ नहीं, पूरा बॉडी पेन हो रहा था। अगर आप पैसे देते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से होटल पे, एक्चुअली आप जितना पैसे दे रहे हो, क्या दे रहे हो, पर आप देखो कि आपको वो पैसे के रिलेटेड उतना मिल रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर आप पैसे दे रहे हो और आपको उधर जाके आपको कुछ दूसरा ही मिल रहा है जितना आपने पैसे पे किया है, तो आपको कुछ फायदा ही नहीं है। जो जाको जाके पूरा जितना भी है पूरा सब इंफॉर्मेशन निकाल लो उसकी तरफ से। जागो ग्राहक जागो। तो यार अगर आप इस साल केदारनाथ आने का प्लान कर रहे हैं तो आपको ना हर बार इस मौसम को देखने के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, इस मौसम को सहने के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। यहाँ तो ठीक ठाक मौसम, मतलब बादल लगते हैं, बारिश होती है, लेकिन टेम्परेचर ठीक रहता है। और अगर आप जाते हैं केदारनाथ में तो वहाँ पे ना टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, तो इसीलिए आपको मोटे कपड़े रखने हैं। और एटीएम की व्यवस्था थोड़ा जगह पे ही है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं तो एटीएम की व्यवस्था हो नहीं पाती है, मतलब पैसे निकल नहीं पाते हैं, तो इसलिए आपको कैश रखना है। और अपने मोटे कपड़े रखिए, रहने की व्यवस्था कीजिए और अच्छी अच्छी कंपनियाँ देखिए जहाँ पर आपको अच्छी से सुविधाएँ मिल जाए। और वैसे ऊपर तो क्या ही सुविधाएँ होनी, वहाँ पर तो पूरा शेयरिंग रहता है, लेकिन फिर भी ऐसी कंफर्मेशन लीजिए कि आपको रहने के लिए एटलीस्ट आपको छत तो मिल जाए ढकने के लिए, और खाने के लिए वहाँ पर खाना मिल जाए। तो बाकी अगर आप केदारनाथ आते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे भी और यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो फिलहाल इस ब्लॉग को आज के दिन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।